जय श्री राम मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूं दामाद के बारे में। अक्सर सास बहू की चर्चा की जाती है, अन्य रिश्तों की चर्चा की जाती है, पर एक ऐसा रिश्ता जिसके बारे में बहुत कम लिखा गया है और जिसकी पीड़ा को बहुत कम लोगों ने अभिव्यक्त किया है, आज उस व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ। वो होता है घर का दामाद। बहुत से परिवारों में दामाद को भगवान विष्णु का स्वरूप समझा जाता है और उनको बहुत सम्मान दिया जाता है, उनका बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन कुछ परिवारों में जहाँ स्पेशली लड़कियाँ लव मैरिज करती हैं या परिवार वालों के खिलाफ जाकर शादी करती हैं या फिर प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा मांगती हैं अपना, या भाइयों को ये अंदेशा होता है कि बहन प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा मांग लेगी, तो उस घर में दामाद का एक तरह से तिरस्कार करना प्रारंभ कर दिया जाता है। ये कारण तो मुख्य रूप से होते ही हैं, इसके अलावा कई लोगों का स्वभाव भी अच्छा नहीं होता है और वो दामाद को पर्याप्त सम्मान नहीं देते हैं। स्पेशली जिस घर में माता पिता ना हो, लेकिन उनके पेरेंटल घर में जब बेटियां जाती हैं तो वहां भी भाई और भाभियों के द्वारा वे तिरस्कार पाता है। इसके अलावा स्पेशली जो लड़की का जो भाभी होती है, भाभियों के द्वारा भी बहुत ज़्यादा तिरस्कार उन्हें प्राप्त होता है। तो दामाद का सम्मान परिवार में कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए और इसके लिए दोषी कौन है, आज इस पर ही मैं बात कर रही हूँ। एक्चुअली दामाद का यदि ससुराल में सम्मान नहीं होता है तो इसके लिए मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार है वो स्वयं बेटी है, क्योंकि बेटी को सबसे पहले तो अपने घर में दामाद के बारे में किसी भी तरह की नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए। अक्सर बेटियां क्या करती हैं कि यदि दामाद से किसी प्रकार का कोई झगड़ा हुआ या ससुराल में कोई तनाव हुआ तो उसकी चर्चा जाकर वो पीहर में करती हैं और अपनी एक तरह की सिंपथी लेने के लिए भाई भाभियों को बताती हैं। लेकिन कई लोग तो बहुत समझदार होते हैं, लेकिन कई भाभियाँ इस चीज़ को बहुत कैश करती हैं और नंद की बुरी तरह से बदनामी कर देती हैं, दामाद की बुरी तरह से बदनामी कर देती हैं, जिसके चलते दामाद के सम्मान में कमी आती है। एक तो ये कारण है। दूसरा, कई लोग दामाद का सम्मान नहीं करना चाहते, वो लोग पैसा नहीं खर्च करना चाहते, तो वो ऐसी भूमिका बनाते हैं कि दामाद का ऐसा अपमान किया जाए जिससे कि दामाद स्वयं ही घर में आना बंद कर दे और भविष्य में उनको किसी प्रकार की प्रॉपर्टी बेटी या दामाद को नहीं देनी पड़े। अब यहाँ पर आती हूँ खास बात पर। अक्सर पीहर में आयोजन होते हैं और इसमें कई बार दामाद को नहीं बुलाया जाता, तब भी बेटियों को अथाह मोह होता है पीहर से, और पति जाए या ना जाए, ससुराल वाले जाए या ना जाए, वे अपने पीहर में जाती हैं और अपना पूरा दिन वहाँ पर बिताकर आती हैं। कई बार ओकेजन के अलावा भी वो रेगुलर वहाँ टच में रहती हैं और अक्सर अपने ससुराल वालों की बुराई पीहर जाकर करती हैं, और माता पिता भी इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, भाई भाभी भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, जिससे लड़कियों को पता ही नहीं होता है कि उनके जीवन की सही दिशा क्या है और उन्हें अपने ससुराल वालों का और पीहर वालों का कितना अपमान वहाँ करना है और किस तरह की बातें उन्हें वहाँ करनी है। होना तो ये चाहिए कि माता पिता को बेटी को समझाना चाहिए कि वो ससुराल वालों की निंदा ना करे, पति की निंदा ना करे, और पति में यदि कोई कमी भी है, उनकी कोई बात बुरी भी नहीं लग रही है तो उन्हें समझने की कोशिश करें, क्योंकि दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन एक बहुत बड़ी तपस्या है। जितना कोई ऋषि मुनि तपस्या करके किसी सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वैसी ही सिद्धि दाम्पत्य जीवन को चलाने के लिए आवश्यक होती है। पग पग पर अहम का घूंट पीना पड़ता है, पग पग पर दूसरों के लिए त्याग करना पड़ता है, पग पग पर पति और ससुराल वालों को समझने की कोशिश करनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं कि आप एक सास सिंगार कर लिया, आपने घर का कोई काम नहीं कर रहे हो, आप फोन पे लगे रहते हो, सास ससुर की निंदा करते हो, पति की निंदा करते हो, और आपकी गृहस्थ जीवन इस तरह से चलता रहेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके बीच लड़ाई झगड़े होंगे और हो सकता है तलाक भी आज हो जाए। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी, ऐसी ही लाइफ में जब औरतें अपने परिवार को देती हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होने लग जाते हैं और फिर आगे चल के उन्हें पछताना पड़ता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि पति की इज्जत कीजिए, ससुराल वालों की इज्जत कीजिए, और समाज में और पीहर में जाकर किसी भी बारे में पति की किसी भी तरह से निंदा मत कीजिए। पति की निंदा करके आप पति का सम्मान नहीं, स्वयं अपना सम्मान खो देंगी, और एक समय ऐसा आएगा जब आपको भी आपकी बातों को कोई वजूद नहीं देगा, कोई आपको सम्मान नहीं देगा, और आप स्वयं ही एक समय पर तिरस्कृत महसूस करेंगी। तो दामाद बहुत इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा होता है परिवार का, और ससुराल वालों को भी मैं ये बोलूँगी, उनको समझना चाहिए यदि वे चाहते हैं कि उनकी बेटी ससुराल में सम्मान पाए, तो उससे पहले पहल उन्हें करनी होगी और उन्हें दामाद को यथोचित सम्मान देना पड़ेगा, उनका रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनको क्या पसंद है क्या नापसंद है इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो जिन परिवारों में दामाद को तिरस्कृत किया जाता है, वे इस वीडियो से कुछ सबक